इसमें शामिल कर दिया या इसको इस तरीके से छान लें। की कुछ बढ़ा देता इंसान वास्ते, ये देखें कमाल कमाल की डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ इंसान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी कमाल की रेसिपियां, बकरा ईद को लेकर के गिफ्ट रेसिपियां। मेरे भाइयों, आपकी दहलीज पे रेसिपियां, इधर उधर ना देखो, बाबे वाल देखो बाबा की पेट रहे है। यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव बकरा ईद पे आप किस तरीके से बना सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, शॉर्ट तरीके से रेसिपी देने लगा हूं पुलाव की, तवज्जो से देखिएगा। 1.25 किलो मटन ले लिया, 1250 ग्राम, ठीक हो गया, इसमें शामिल कर दिया, इस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, थोड़ी सी दरमियाने साइज की बोटी हमने करा ली, मटन जो पका रहे हैं, गल समझ आ रही है, इस तरीके से। ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का जो छिला नहीं हमने, इस तरीके से 2 पीस करके शामिल कर दें। एक ये जो गट्ठी पूरी होती है लहसुन की, इस तरीके से पूरी इस तरह शामिल कर दें। ये 2 छोटे साइज के प्याज हैं, इस तरीके से 2 पीस करके शामिल कर दें, बस इस तरीके से, ठीक है, ये शामिल कर दें। साथ में छोटी इलायची 3 अदद शामिल कर दें, बड़ी इलायची 3 अदद शामिल कर दें। ये हमारे पास साबित मिर्च है काली, 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। लौंग 4 से 5 अदद शामिल कर दें। ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर दें, ये टीस्पून है छोटा चाय वाला है, ठीक हो गया। तेज़पात 2 से 3 टुकड़े छोटे साइज वाले शामिल कर दें। दालचीनी का टुकड़ा 2 छोटे छोटे शामिल कर दें। बादियान के फूल टूटे हुए 2 से 3 हैं, साबित तो हो ना बाबे को, लोग टूट जो गए, गल समझ नहीं आई। साथ में इसके अंदर हम नमक दबेंगे, नमक शामिल कर दें, चम्मचों के लिए 1 टेबल स्पून नमक हम फिलहाल इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। ये हमारे पास चावल थे, ये हमने 2 ढाई घंटे पहले भिगोए हुए हैं, सेला चावल, ठीक हो गया, इसको हमने 2.5 घंटे से भिगोया हुआ है। इसमें ये एक मग्गा था 1 किलो वाला, ये एक मग्गा 1 किलो वाला, ये मेयरमेंट के लिए। इसके साथ के अब हम ये देखें, ये 1, इसके साथ का हमने मेयरमेंट के लिए जो मग्गा लिया था, एक मग्गा पानी का इसमें डाल दिया, ये दूसरा मग्गा डालने लगे हैं, ये 2 मग्गे हमने पूरे डाल दिए, गल समझ आ रही है, और ये थोड़ा सा ऊपर ज्यादा डालेंगे, ठीक हो गया, 2.25 मग्गे हम डालेंगे। अब इसकी वजह क्या है, मेरे मुंह की तरफ करो कैमरे, इससे मेयरमेंट की हमने 1 किलो चावल 2.5 घंटे पहले सेला भिगो दिया, गल समझ आई, बहुत कमाल के और जूसी तैयार होंगे। अब हमने 1.5 गुना ज्यादा पानी चावलों में के लिए चाहिए, लेकिन हमने 2.25 डाला, वो जो 1.25 मग्गा हमने एक्स्ट्रा डाला वो हमने गोश्त को गलाने के लिए करा, जब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे तो 2 मग्गे से कम बच जाएगा, जितना हमें चाहिए होगा उतना पानी हमें मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये तमाम चीजें इसमें शामिल कर लीजिए यखनी तैयार करने के लिए, कवर लगा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ऊपर से वेट दे दें और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ने लगे हैं। इसके साथ का चूल्हा ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, कोई मसला नहीं है, मीडियम फ्लेम रहेगा, ऊपर चढ़ा दिया 15 मिनट के लिए, टोटल 15 मिनट, 3 मिनट के बाद इसका वेट चलता है, उसके बाद 12 मिनट, अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल देखा जाए मीडियम फ्लेम पे तो 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आपसे मेरे भाइयों मिलते हैं। ये लीजिए, 15 मिनट के बाद स्टीम रिमूव कर दी, प्रेशर कुकर को खोलने लगे हैं, खुशबू अभी से बहुत प्यारी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ का एक बर्तन ले लिया हमने बड़ा, और ये स्ट्रेनर रख लिया, इसको इस तरीके से छान लेंगे, ठीक हो गया, इस तरीके से हमने इसको छान लिया, वो यहाँ पे ले आएंगे। ये हमारे पास यखनी आ गई, अब इसमें से हम क्या करेंगे, प्याज को हटा देंगे, लहसुन को हटा देंगे, अदरक जो डाला था उसको हटा देंगे, ये अदरक को हटा दिया, ये प्याज को हटा देंगे, और लहसुन की जो ये देखें पूरी ये गुल्ली थी इसको हटा देंगे, ठीक हो गया, बकाया चीज़ें इसी में रहेंगी। इसके साथ का पतीला ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, पतीला रखने के बाद पतीला को पहले गर्म कर लिया, खुश कर लिया, 1 कप भर के चाय वाला घी का शामिल कर देंगे। पुलाव जब भी बनाएंगे हम घी में बनाएंगे, या बिरयानी बनाते हैं घी में बनाएंगे, घी में टेस्टी बनते हैं चावल, ठीक हो गया, ये गर्म हो जाए अच्छे तरीके से फिर आपसे मिलते हैं। घी गर्म हो चुका है, हमारे पास 1 पाव प्याज थी, इस तरीके से स्लाइस में हमने काट ली, 1 पाव या 2 प्याजें बड़े साइज की, इसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन हम कर लेंगे, ठीक हो गया, लाइट ब्राउन कर लें प्याज को, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
इस टाइम पे आके जब लाइट पे जो प्याज हो गई, आधी प्याज हम निकाल लेंगे यहाँ प्लेट में इस तरीके से फैला लेंगे। ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, ये प्याज बाद में भी कलर चेंज करती रहती है। थोड़ी सी प्याज इसमें है, फ्लेम हमारा जो है ना वो हाई है। गोश्त उठा के इसमें शामिल कर देंगे, इसको इस तरीके से 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद 2 से 3 मिनट जीरा, दालचीनी, साबित गरम मसाला थोड़ा सा 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे इस तरह। बस थोड़ी सी काली मिर्चें भी शामिल हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पहले भी हमने गरम मसाला डाला हुआ था। ये 2 टमाटर छोटे साइज के चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। इसके साथ हम शामिल करेंगे दही, 1 कप चाय वाला शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को भून लेंगे, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, टमाटर भी बीच में मैश हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे 3 से 4 मिनट रहेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक का। नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून वाइट मर्च, फैद वाली मर्च शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, ये 1/2 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट इसकी खाने में भुनाई कर लेंगे। टाइम पे आके जब अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई हो गई, सफ़ेद मिर्चें हैं जो कड़वी कम होती हैं 4 अदद इस तरीके से कटी हुई बारीक शामिल कर देंगे, और 4 अदद मिर्चें साबित जो डंठल के साथ हैं शामिल कर देंगे। साथ में जो यखनी थी हमने बची है, हमारी यखनी बनी थी मटन में से, ये भी शामिल कर देंगे। यखनी को बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया यखनी को, इस टाइम पे आके ये जो सेला चावल 2.5 घंटे पहले भिगोए हुए थे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से अब इसका हम फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क होने के लिए छोड़ेंगे, 4 मिनट लगे 5 मिनट लगे पानी को खुश्क करेंगे। हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट लगे, पानी खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा लिक्विड हल्का हल्का, देखें इस कंडीशन में है, ये थोड़ा थोड़ा पानी है बस। इस टाइम पे आके इंतहाई हम दम वाले फ्लेम पे इसको कर देंगे, इंतहाई दम वाला फ्लेम, और साथ इसके ये ब्राउन प्याज जो निकाली थी ये ऊपर इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ इसके हम डाल लेंगे धनिया हल्का सा इस तरह बारीक कटा हुआ, ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। और ये अलमोनियम फाइल हम इसको एयर टाइट बनाने लगे हैं, अलमोनियम फाइल इस टाइम पे लगा देंगे। इसके साइज इस तरीके से हम बना लेंगे, यहाँ से काट के इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, कोई मसला नहीं है। इसको हमने एयर टाइट बनाना है, कवर लगा देंगे इस तरीके से ऐसे हैं, ताकि कहीं से इसकी एयर वगैरह ना निकले, ताकि चावलों का टेस्ट अच्छा बने पुलाव का, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको इस तरीके से ऊपर कवर लगा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। दम वाले फ्लेम कर दिया हमने, इसके ऊपर हम वज़न रख देंगे थोड़ा सा, ये इस तरीके से, इस तरीके से वज़न दे देंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा देना है वज़न, इस तरीके से मिसाले वाला रख देंगे। वज़न देने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे, इंतहाई दम वाले फ्लेम पर 15 मिनट के बाद लग देंगे। 15 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया, ये उठाने लगे हैं ऊपर से जो वेट रखे हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बड़े कमाल की पुलाव तैयार हुई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। दम खोलने के फौरन बाद बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, चावल बनाए, कुछ भी बनाए, फौरन चमचा नहीं दाब देना, 1 से 2 मिनट इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद आपको उसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये रेंज इस टाइम पे आके चूल्हे को घुमाते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इस तरह का स्टैंड यहाँ पे रख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे पाक लें इसको, डिश आउट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, हैं देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिएगा लुक, हैं ये देखें सुभान अल्लाह, देखिएगा ये देखें, हैं आ रहा है हल्का हल्का ईद वाले दिन पानी मुँह च, ये देखिएगा है, ये देखिएगा हैं किस तरीके से, सुभान अल्लाह, मेरे मालिक तेरा शुक्र केड़ी गल का शुक्र अदा करिए, हैं की कुछ बना दिता इंसान वास्ते, ये देखें कमाल कमाल की डिशें, बकरा ईद की डिशें, कमाल की डिशें, ये देखें सुभान अल्लाह, हैं ये देखें।
मटन पुलाव हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, जो बड़े कमाल की लुक आई है, बड़े कमाल का कलर आया है, बड़े कमाल की खुशबू आ रही है। ठीक हो गया, बड़ी ईद की बड़ी रेसिपियाँ आप लोगों से शेयर कर दी। मटन पुलाव किस तरीके से शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।